सांप मरा हुआ किसने मारा। Assalamu alaikum everyone and good morning and welcome back to the channel. आज हम निकले हैं अपनी सैटरडे राइड पे और जा कर रहे हैं कोई ऐसा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉबली M9 सुपर हाईवे की तरफ जाएंगे। वहाँ से या तो कीर्थन नेशनल पार्क की साइड पे, और अगर मूड हुआ तो आगे शायद रानीकोट फोर्ट की तरफ चले जाएं। मेरे साथ एक और राइडर होंगे, मिस्टर अब्बास अली खान खटक, जो मेरे कोलीग हैं, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी जाएंगे साथ। बल्कि उन्होंने इंसिस्ट कर करके प्लान बनवाया कि क्या प्लान है आज का, क्या प्लान है, क्योंकि मैं पिछले वीकेंड गया था, सो मे बी मैं ये वीकेंड स्किप करता, लेकिन अब्बास भाई की मोहब्बत में हमने कहा चलें चलते हैं। तो अभी शारे फैसल पर इन फ्रंट ऑफ FTC उधर कोई शेल का पंप है, वहाँ पे मैं उनको मिलता हूँ। मे भी वो मेरा वेट कर रहे हो, या मैं पहले पहुँचा तो मैं वेट कर लूँगा। सो सी यू देयर। वाह भाई, शेल का केक है, खुद टोटल पे वेट कर। एटीएम का चक्कर था, मैंने कहा चलो एटीएम तो आगे है। ये आपकी बाइक है? ये हेलमेट पहनेंगे आज? यार दिल तो नहीं कर रहा। पहने ले जाओ। नहीं पहने, पहनने साथ ही जो है ना गर्मी लगनी शुरू हो, हवा लगेगी। पहने नाश्ता इधर करते हैं, क्या करें? किधर? इधर, ये सामने होटल है। चलें चलें, आप आगे चलें। पहले हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि अब्बास भाई की ख्वाहिश है हम पहले नाश्ता कर लें। मैं इतनी जल्दी नाश्ता नहीं वैसे कभी करता। पराठे का साइज देख के बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़र लना वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गाइस, नाश्ता हुआ हमारा और 7:30 भी हो गए। अब वैसे ये कभी और स्टॉप है, पास भाई ने ATM यूज़ करना है और फिर पेट्रोल फिल करवाना है, फिर हम आई होप के सोराब गोट के बाद ही रुकेंगे M9 पे। ये आ गए हैं जी बाजवा साहब, अब्बास साहब। बस भाई की बाइक पे ना साइड मिरर्स हैं, ना खुद कोई सेफ्टी गियर्स पहने हुए, हेलमेट भी सामने रखा हुआ है, कोई हाल नहीं है। आठ बजकर 8 मिनट और हमने कनेक्ट कर लिया है M9 से सुपर हाईवे से।
बाजवा साहब ये काम बड़ा ख़तरनाक करते हैं, आप ये ना करें। ये जो साथ फ़ोन हाईवे पे फ़ोन पकड़ के कर रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? कभी कभी करना पड़ता है। वो वाला शूट में लेना चाह रहा था, लेकिन इसके लिए वो होता ना वो दूसरा हाथ वाला है उसके साथ। किक है ही नहीं इसमें। धक्का लग सकता है, किक नहीं लग सकती। फर्स्ट प्रॉपर ब्रेक ली हमने नूरियाबाद पे ऑलमोस्ट एक घंटा राइड करने के बाद, और मोर देन 30 मिनट्स की हमने शायद ब्रेक ले ली है। अब आगे कहाँ रुकने की ज़रूरत महसूस होती है। तो 10:48 पे हम पहुँच गए हैं हैदराबाद इंटरचेंज, बेसिकली एग्जिट ऑफ M9। इधर ब्रेक लेनी है, इधर होटल में ब्रेक लेनी है या आगे चलें? आपको पता होगा इधर खाते हैं उधर खाते हैं। उधर भी होटल तो उधर भी है, है? 30 किलोमीटर है अभी अंदर। 30 चल। अब ये हाईवे से हम उतर के रानी कोट की तरफ जा रहे हैं। आई गेस 30 किलोमीटर है, कुछ मैं देख लेता हूँ। अच्छी जगह है आई थिंक रेस्ट करने के लिए, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ। मटका भी रखा है, पानी पीते हैं। पानी है गड़े में। ठंडा तो होता ही ठंडा। मीठा पानी हाँ भी पी लो, आपकी गारंटी पे पी लो। हाँ
बेहतरीन पानी। सही है, मजा है इसका। और ऊपर छत देखो, रानीकोट फोर्ट, ये इसका सन गेट है। एक तो ये मतलब ये सन गेट है रानीकोट का ना, बेसिकली ये दीवार है उसका, ये गेट है सन गेट इसे कहते। यहाँ से ऊपर हम दीवार देख सकते हैं थोड़ा जाके, लेकिन वो जो रिजॉर्ट है और किला है वो आगे है। ऊपर जाना दीवार पे, फिर साइड पे खड़ी कर लो उधर दीवार के साथ। इधर आए, इसके नीचे कोई पत्थर लगाए, ये नीचे जा रहा है। नहीं इधर से कोना थोड़ा सा फंसा दे बस इसमें, ये ऐसे आई आने दें से और ठीक है मेरे ख्याल। थोड़ी बस ठीक है, अब नहीं जाते अगर कोई पत्थर ना निकाले तो। ये सांप मरा हुआ कितने मारा है कहाँ, हाँ जी। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो तीसरी दफ़ा महसूस कर रहा हूँ, आप बताएं आप पहली दफ़ा आए। मुझे तो, मेरे लिए तो इनक्रेडिबल है यार, है ना, ज़बरदस्त मज़े की जगह है जो है। वो जो कहते हैं ना कि इतनी दूर से सफ़र करके आना जो है ना, वो ये है कि वो आपका इसको देखने पर जो है आपकी वो सारी थकान दूर हो जाती है कि भाई वाकई अगर इतनी थकान मैंने जो है ना थकावट हासिल की है तो वो वजह है कि जो है उसमें कोई वो नहीं है जो है आपने उसके बस जो है बड़ा अच्छा समर हासिल कर लिया। वेरी गुड यार, ज़बरदस्त। चलें फिर आपको ऊपर और ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं।
इधर से क्यों मना किया था? सारे पत्थर ही पत्थर ऐसे पड़े हुए जो है ना, उसमें तो बैलेंस करने में मुश्किल हो जाता है। वो जो एक पत्थर है ना, वो उस पर एकदम से उछली है। मोटर क्रॉसिंग इसमें आहिस्ता नहीं जाना, क्योंकि ये पत्थर है गोल, इसमें इधर से जो स्पीड पकड़ी ना, तो जो है ना उसी छूट में आपने निकलना है, उसी अपने धक्के में जो ये ऊपर से जाए। अगर अंदर आपने स्लिप हो गया ना बहुत, तो उधर ही बैठना शुरू हो जाए। वहाँ आपको स्लो जाना है पानी के अंदर, स्लो जाएंगे तो स्लिप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, निकल जाएंगे। इस रोड़े में ये है ना कि ये पत्थर खाली पड़े हुए हैं, उसमें ग्रिप बनती नहीं है। जब आपने स्लो चलेंगे जो है ना, वो पत्थर थोड़ा सा रुड़क गया तो पता चला कि ना वहीं घूमनी शुरू हो गई, तो आप फंस गए। तो पीछे से ही धक्का में जो है ना आपको जाना है। और अगर कभी इस तरह फंस भी गया तो दूसरे को बोला, फिर आपने ये रूल रेस नहीं देना, फिर दूसरे को कहना धक्का दो, तो ऐसे धक्के धक्के में से जो है ना ले गए। पाँच बज गए हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। 5 बजे अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया, लेट हो गए। बस ये वाली जो मेन रोड से पहले वाला रास्ता, ये हमारी कोशिश है कि ये हम रोशनी में कर लें, क्योंकि हाईवे पे तो रात हो ही जाएगी और वो समहाउ मैनेज हो जाता है बाइक की लाइट्स के साथ। लेकिन ये जो एडवेंचरस रास्ता है, ये बस इंशाल्लाह अभी खैरियत से हम कर लें।
जी अब आज का होपफुली लास्ट एडवेंचर वाटर क्रॉसिंग। इससे तो डीप हो जाएगा और डीप हो जाएगा इससे तो। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीकेंड राइड। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक इट, शेयर भी कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।